देशों के साथ हमेशा से सौहार्दपूर्ण रिश्ते चाहता है। अपनी अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखते हुए भारत की कभी भी किसी पड़ोसी मुल्क को दबाने या अपने क्षेत्र विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं रही। जब भी हमारे पड़ोसी मुल्कों को हमारी जरूरत पड़ी, हमने उदारता दिखाते हुए एक कदम बढ़कर मदद की। लेकिन अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमा लांघी है या हमारे धैर्य की परीक्षा ली है, तो हमने सही वक्त पर माकूल जवाब भी दिया। 1971 की विजय गाथा भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य की ऐसी कहानी है जो हमेशा से ही आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। 1971 का साल भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। आइए आज हम पाकिस्तान के दो टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी को बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर विजय दिवस मनाया क्यों जाता है। दरअसल इतिहास में 16 दिसंबर 1971 का दिन बेहद खास है। ये खास इसीलिए है क्योंकि इस दिन को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाने वाला खास दिन है। आज के दिन 1971 में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया था, बल्कि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर नए देश की मान्यता भी दिलाई। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। इसी दिन 13 दिनों तक चले युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया था। बुरी तरह युद्ध में पाकिस्तान को मात दी थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। इतनी तादाद में दोनों विश्व युद्धों में भी किसी देश की सेना ने समर्पण नहीं किया था। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को ही खत्म कर दिया था। विश्व युद्धों में भी इतनी संख्या में एक दिन में टैंक नहीं नष्ट किए गए थे जितना भारत ने पाकिस्तान के टैंक एक दिन में तोड़े थे। पाकिस्तान से जीत किसी खुशी में 16 दिसंबर के दिन भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना विजय दिवस के रूप में मनाती है। आपको बता दें कि देश की सबसे ताकतवर महिला और पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। ये 1971 के युद्ध की वो कहानी है जिसने पाकिस्तान की वजूद पर अपना प्रश्न चिन्ह लगा दिया और दुनिया को भारत ने दिखा दिया अपनी सैन्य शक्ति का दम। पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तान की केंद्र सरकार और सेना हुक्म चला रही थी और पूर्वी पाकिस्तान पर भाषाई और सांस्कृतिक पाबंदियां थोप रही थी। 1970 में हुए आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में चुनाव जीतने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेना की मदद से पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने से रोका। इसी के चलते पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के षड्यंत्र का पता चल गया और तब शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को एक अलग आजाद राष्ट्र बनाने की घोषणा की। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान ले गया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह कर दिया। फिर इसी विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भयंकर जुल्म उठाने लगी। पाकिस्तानी सेना के इस जुल्म के कारण पूर्वी पाकिस्तान के करीब 10 लाख लोग भारत की सीमा में घुसे और बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा के राज्यों में पहुंच गए, जिससे उस राज्य की शांति भंग हो गई। इस बात से परेशान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका से हुई मीटिंग में अपना रुख साफ किया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत को पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। दरअसल 1947 में भारत से अलग होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। पश्चिमी पाकिस्तान जो कि मौजूदा पाकिस्तान है, उसकी ओर से लगातार उपेक्षा, सियासी तिरस्कार और शोषण ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लोग आक्रोशित और घृणा से भर गए। पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम इसी का नतीजा था। आखिरकार भारत के सहयोग से बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होकर 1971 में एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया। आपको बता दें कि 1947 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर एक राष्ट्र थे। 1947 में अंग्रेजों ने भारत से जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले अंग्रेज भारत को दो हिस्सों में बांटकर चले गए। बंटवारे के बाद दो देश बने, भारत और पाकिस्तान।
पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन धर्म पाकिस्तान को लंबे अरसे तक बांध कर नहीं रख सका। तब मौजूदा पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के कुछ साल बाद ही पंजाबी प्रभुत्व और पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ पूर्वी हिस्से में असंतोष पनपने लगा। पाकिस्तान के जन्म के साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ भेदभाव शुरू हो गया। 1948 में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बांग्ला भाषी लोगों में इसे लेकर गुस्सा भड़क उठा। ढाका में छात्रों के एक बड़े समूह ने बांग्ला को बराबरी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई। कई निहत्थे लोग इस गोलीबारी में मारे गए। इसके बाद बांग्ला आंदोलन हिंसक हो गया। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान को लेकर अलग देश की मांग के बीच खो दिए। इस आंदोलन ने बंगाली राष्ट्रीय अस्मिता को जन्म दिया और फिर शुरू हुई अलग राष्ट्र बनाने की मांग। बता दें कि जिस घटना ने बांग्लादेश के लोगों को अलग राष्ट्र बनाने पर मजबूर कर दिया वह था 1970 में हुआ पाकिस्तान का आम चुनाव। इस चुनाव के नतीजों ने पाकिस्तान का विघटन तय कर दिया। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीट मिली, लेकिन पश्चिम में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ज्यादा सीट हासिल हुई। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट रहमान की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में रहमान के पास सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत था, जबकि भुट्टो ने चुनाव परिणाम को ही मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके खिलाफ 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम। सबसे पहले बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को बरगलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी फौज ने पूर्व के हिस्से में रहने वाले आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमाओं में घुसने लगे। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमले कर दिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की लड़ाई अब भारत की लड़ाई है और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। दरअसल पाकिस्तान ने शुरू से ही अपने दूसरे भाग यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान संसाधन भी पाकिस्तान से बेहतर था, लेकिन राजनीति में उसका प्रतिनिधित्व बेहद कम था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने आवाज उठाई तो उस पर जुल्म ढाए गए। ऐसे में बांग्लादेश ने मदद की गुहार हमेशा भारत से ही लगाई। भारत ने भी आगे बढ़कर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में हर संभव मदद की। बांग्लादेश भी मानता है कि बिना भारत के योगदान की उसे आजादी नहीं मिलती। अपने अस्तित्व में आने के बाद से पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करने और लोगों को मौत के घाट उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। पाकिस्तानी सेना के कत्ले आम और लगातार बढ़ते अत्याचार के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में शरण लेने पर मजबूर होने लगे। देखते देखते भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुँच गई। तत्कालीन भारत सरकार ने न सिर्फ इन शरणार्थियों की मदद की बल्कि उनके लिए बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा में राहत शिविर भी लगाई। पाकिस्तानी सेना के आतंक से बचने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने भारत आने से शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। इसे देखते हुए मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। जुलाई 1971 में भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के सैनिकों की मदद और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान के दमनकारी कार्रवाई और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जोर शोर से उठाया और हस्तक्षेप की मांग भी की। हालांकि कई देश इसके खिलाफ थे, लेकिन भारत ने फिर भी बांग्लादेश की मदद की। भारत ने बांग्लादेश को न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर मदद की बल्कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की भी कोशिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा किया। पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेश में किए जा रहे जुल्म और नरसंहार के बारे में बताया। हालांकि अमेरिका ने तब भारत की मांगों को मानने और पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया। शांति स्थापित करने की भारत के लगातार प्रयास के बावजूद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया तब भारत को इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होना पड़ा।
इसके साथ ही 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो गई। पाकिस्तान चीन अमेरिका और इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं और लोगों को पूरा सहयोग दिया ताकि वो पाकिस्तान के पंजे से छुटकारा पा सके। बता दें कि 13 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:35 पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण ने पूरी दुनिया में जहां भारत के मान और शान को बढ़ाया, वहीं भारत ने यह भी दिखाया कि मानवता की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए वह पूरी तरह से सक्षम और सामर्थ्य। 1971 में बांग्लादेश का जन्म दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। भारतीय सैनिकों ने जिस साहस से सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसके साथ ही दुनिया का नक्शा बदल गया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नया देश बन गया। महज 24 साल पहले जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो मौजूदा बांग्लादेश उसका पूर्वी हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तान धार्मिक आधार पर भारत से अलग होकर नया देश बना। पूर्वी बंगाल धर्म की आदि में उड़कर पाकिस्तान के साथ गया, लेकिन धर्माधता दोनों को बांध कर न रख सकी। स्थापना के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सेक्युलरिज्म और समानता के लिए तमाम वादे किए, लेकिन उन्हें निभा न सके। पूर्वी पाकिस्तान में बराबरी के लिए आंदोलन हुए तो पाकिस्तान ने लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के इस हिस्से में लोगों की आवाज बनकर सामने आए। आजादी के बाद जब उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनाने का ऐलान हुआ तो शेख मुजीब इसके विरोध में आ गए। उन्होंने मुस्लिम लीग को अलविदा कह दिया। 2 दिसंबर 1969 को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाएगा। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। वे बांग्ला मुक्ति संग्राम के अगुवा बने। आखिरकार भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश आजाद मुल्क बना। शेख रहमान आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी चुने गए। 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई। आज का यह दिन विजय दिवस भारत के सैनिकों के पराक्रम, साहस और शौर्य की गाथा है। पाकिस्तान पर अपनी इस जीत को भारत जहां विजय दिवस के रूप में मनाता है, तो वहीं बांग्लादेश इसको उच्चारण के थोड़े अंतर से विजय दिवस के नाम से मनाता। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और इसमें भारत का योगदान मानवीय इतिहास में एक अनोखी घटना के रूप में दर्ज रहेगा। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध था, जिसमें भारत की सैन्य क्षमता को पूरी मजबूती के साथ वैश्विक स्तर पर स्थापित कर दिया। आज इस युद्ध के 52 साल पूरे हो गए। विजय दिवस के इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। उनके वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का स्रोत है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। आपको बता दें कि इस युद्ध में भारतीय सेना के करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। 1971 के इस युद्ध में देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर सपूतों को आज के दिन याद किया जाता है। तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और देश के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।